नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू दी चैनल। मेरा नाम है मुनीश शर्मा और आज हम एक खास टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, हाउ टू बिकम अ गवर्नमेंट जेबीटी टीचर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जेबीटी टीचर बनने के लिए क्या प्रोसीजर है, आप कैसे गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं जेबीटी यानी डीएलएड करने के बाद। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक है, लेट्स स्टार्ट। अब जेबीटी टीचर बनने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो है डायरेक्ट कमीशन के द्वारा और बैच वाइज प्रक्रिया होती है। मान लीजिए कि अगर 100 वैकेंसीज निकलती हैं, जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 50-50% होता है, यानी कि अगर जितनी भी वैकेंसीज निकलेगी वो 50% कमीशन के थ्रू रिक्रूट होती होंगी और जो 50% है वो बैच वाइज रिक्रूटमेंट की जाएगी। पहले देखते हैं हम कमीशन के थ्रू के क्या प्रोसीजर रहता है। तो सबसे पहले कमीशन जो है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा, जो कमीशन का रिटर्न एग्जामिनेशन है उसको कंडक्ट कराया जाता है हमीरपुर द्वारा, HPSSC हमीरपुर के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अब कमीशन जो है पूरा आपको पता है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के थ्रू रहता है, तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। उसके लिए एक तो स्टूडेंट का डिप्लोमा कम्प्लीट होना चाहिए DLED का, और साथ में उसका टैट जो है क्वालिफाइड होना चाहिए, टैट भी कंपलसरी है क्वालिफाइड होना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट JBT में उसका क्वालिफाई होना चाहिए। 2022 में इसका संशोधन किया गया है अभी NCTE के द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा, कि स्टूडेंट जो है अभी जब डिप्लोमा वो कर रहा होता है यानी कि या फर्स्ट ईयर में होता है या सेकेंड ईयर होता है, उस दौरान भी वो अपना टैट का एग्जामिनेशन दे सकता है। टैट के बारे में आप किसी और वीडियो में बात करेंगे, अभी इतना जान लीजिए कि टैट उसका क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, अब ये तो हो गया कमीशन का प्रोसीजर। इसके बाद बात करते हैं बैच वाइज प्रक्रिया की, कि जो बैच वाइज भर्ती होती है वो कैसे होती है। बैच वाइज रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर है वो किसके द्वारा, आपने देखा कमीशन तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ कमीशन हमीरपुर के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, परंतु जो बैच वाइज प्रक्रिया है वो होती है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। तो ये तो डिप्टी डायरेक्टर इसको कंडक्ट करता है। अब बैच वाइज के लिए जो प्रोसेस रहती है, द बैच वाइज मेरिट इंटर सीनियोरिटी ऑफ द पर्टिकुलर बैच हैज बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन द डिप्लोमा कोर्स ऑफ जूनियर बेसिक टीचर। जो आपकी जो सिलेक्शन होगी उसमें मार्क्स देखे जाएंगे आपके डिप्लोमा के, एक तो डिप्लोमा के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर मान लीजिए अगर आपके डिप्लोमा के मार्क्स जो है किन्हीं दो स्टूडेंट्स के सेम हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे प्लस टू के मार्क्स, 12th में किसके मार्क्स सबसे ज़्यादा है। अगर किसी दो या दो से अधिक स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम हो जाते हैं DLED में, तो उसके बाद उनके प्लस टू के मार्क्स देखेंगे। मान लीजिए यहाँ भी उनके मार्क्स इक्वल ही हैं दो स्टूडेंट्स के, उसके बाद उनकी एज देखी जाएगी, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको पहले प्रेफरेंस मिल जाएगी, उसके बाद अगले जिससे कम एज वाले को प्रेफरेंस मिलेगी। इन केस द कैंडिडेट्स हैव सेम स्कोर, द कैंडिडेट्स सीनियर इन एज वुड बी प्लेस अबव द जूनियर इन द मेरिट। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है बैच वाइज प्रक्रिया के लिए, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट जो है आपके डिप्लोमा के मार्क्स देखे जाते हैं। अगर डिप्लोमा के मार्क्स दो या दो से अधिक स्टूडेंट्स के मान लीजिए सेम हो जाते हैं तो आपके 12th के मार्क्स देखे जाते हैं। अगर मान लीजिए 12th के मार्क्स भी सेम हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी उम्र देखी जाती है यानी एज देखी जाती है, तो फिर एज के आधार पर उनकी सीनियोरिटी के आधार पर उनको सीट मिलती है, उनको प्रेफरेंस मिलती है यानी उनको मेरिट में उनका नाम आता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। टैट के बारे में या कमीशन के बारे में किसी और किसी टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा।